रहे हैं। यहाँ के सब लोग, देश विदेश कोने कोने के सब लोग, महात्मा, बाल बच्चे, पुरुष महिला सब आते हैं। 5 करोड़ यहाँ पे सब लोग आए हैं, स्नान ध्यान किए थे, भगवान को पूजा पाठ, गंगा मैया को, त्रिवेणी माता को पूजा पाठ किए। हमारा नाम ग्रीजावती देवी, उमर हमारे 68 साल। मेरा नाम मनोरमा मिश्रा है, मैं 3 साल से यहाँ आती हूँ कुंभ मेला में। घर में तो अकेलापन ही हो जाता है, जब यहाँ आ जाती तो पूरा परिवार ही मिल जाता है। केवल कौलवासी लोग रुके हैं, बाकी नहाने के लोग सब अपने अपने घर वापस गए। हमारे दोस्त हैं, हम कान से कम सुनते हैं, हमारी मजा लेती है। मनोहर दृश्य है कि देखने लायक है, घर गृहस्थी भूल जाते हैं, यहाँ आके मन लगता है, अकेलापन दूर हो जाता है। जो कौरवासी लोग हैं सब परिवार बन जाते हैं, सब एक भाई बन जाते हैं, सब बहन बन जाती हैं, सब हमारे ऊपर कहते हैं भजन करिए, हे करिए, हो करो, हमको साथ साथ नहवाती है, लिया कराती है। शाम को हम लोग खाना ना खा कर यहाँ पर भजन भाव करते हैं। इतना आनंद हमको मिलता है, जब से हम कौरवास करने लगी, कुंभ में आ गई थी, हमको बहुत आनंद मिला। भारत में तो यही समस्या है, सही बात, सब बच्चे अपने बाहर चले गए, बेटी अपने घर हुई, तो अकेलापन, तो अकेले ही रहना पड़ता है, तो वही अकेला महसूस होता है कि अकेले हूँ। बुजुर्ग और से ज़्यादा बुजुर्ग मिलते हैं गांव में, कि जो चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उनके भी बच्चे बाहर चले जाते हैं, उनको भी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन क्या करें, वो मजबूरी से रहना ही पड़ता है। हाँ, कुंभ नहाने जब आती हूँ यहाँ पर, तो हमारे कौरवास करने लगते हैं, हमारे परिवार मिल जाते हैं, जैसे हमको इतना खुशी मालूम होती है। हम किसी को याद नहीं करते यहाँ पे, न पति, न बेटा, न बेटी, कोई नाती पोता, कुछ नहीं। यहाँ बस नहाओ, पूजा पाठ करो, सखियों के साथ अपना बैठो, चलो इधर घूमो, उधर घूमो, जाओ सुन लो, कथा सुनो, भागवत सुनो, चले आओ, अपन दिया बत्ती करो, पूजा 1 घंटा करो। ऐसा है कि हमारी शादी जो गर्भ जोड़ कर बारहवीं में शादी हुई थी, जब हमारी शादी हुई थी, इसके बाद 3 साल के बाद गौना जाने वाला था, तो जी हमारे पति ने कहे कि हम नहीं ले आएंगे, छोटी है वो, तब से हमको सब लोग एकदम ससुराल वाले बिल्कुल त्याग दिए। जो हमारे पिताजी चले गए, हमारे भाभी भी चली गई, बेटा नहीं, बेटी नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं है संसार में, अधेरा अधेरा है। अब हमारा चलो परुख हमारा उद्धार कर दीजिए, ये हम ही हरदम बार बार प्रार्थना करती हूँ, बार बार विनती करती हूँ। Thank you.
यहाँ देख रहे हो झोपड़ी में रहते हैं, टेंट में रहते हैं और कल्पवास करते हैं, पूजा पाठ करके कल मुनि जी से मिलने जाएंगे। साधु संत से मुझे बहुत प्रेम। कुंभ में आपका स्वागत है। और जो ज्ञान नहीं है प्रभु आप बताइए। देखो यहाँ पर आप आए हो, कल्पवास का मतलब ही इतना है, सब छोड़ के चले गए। देखो सब छोड़ के चले गए, आप उनको छोड़ के यहाँ आ गए। कोई किसी के साथ रहता नहीं है, क्या साथ रहता है, जो मैं जप करूं, तप करूं, भगवान का नाम लूं, अच्छे काम करूं, अच्छाई से जीऊं, यही तो कल्पवास है। जब हम यहाँ से छोड़ के जाते हैं, माँ के पुनवासी के दिन हम लोग यहाँ से निकलते हैं, तो हमारे सखी सहेली और भाई बहन जो हैं इतना आपस में सब अपने इतना परेशान थे, हम तो हमारे आंसू ढूंढने लगती थी, हम बहुत परेशान हो जाते कि हम अपना परिवार छोड़ के जा रही हूँ, अब हमको आनंद कहाँ मिलेगा, ये आनंद गांव में नहीं मिलेगा, ये परिवार गाँव में नहीं मिलेगी। यहाँ पर सब लोग धर्म वाली बात बताते हैं, देवता वाली बात बताते हैं, हर कुछ की बात बताते हैं, यह हमको इतना शांत मिलती है इतना ही कि हमको सब भूल जाता है।